आइए हम चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, ठीक ना, कह के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग 4 वर्ग इकाई है, जा शीर्ष क्रम से इतना दिया है, ठीक ना बाबू। के का मान निकालना है, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बार दिया है, 4, ठीक ना, 4 वर्ग इकाई दिया है, 4 वर्ग इकाई, ठीक ना बाबू। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y31 इतना इक्वल टू 4, ठीक ना बाबू, इतना हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक। ये बाबू क्या होता है ना कि अब प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक ना, क्षेत्रफल क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक, 1/2 x1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 k 0 1 x2 y2 4 0 4 0 1 x3 y3 1 x3 y3 0 2 1 बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। अब देखिए 1/2 हो जाएगा, ठीक ना बाबू, देखिए क्या करें, के ले लेंगे हम, ठीक ना, जब आप के लेंगे इसको बंद करेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, 0 का गुणा होगा 1 में 0, माइनस 2 का गुणा होगा 1 में 2, फिर माइनस, अब के बाद 0 लेंगे, ये हो जाएगा 0, फिर इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, 4 का गुणा होगा 1 में 4 हो जाएगा, माइनस 0 का गुणा होगा 1 में 0 हो जाएगा, प्लस, अब वो ले लेंगे 1 लेंगे तो इसको बंद करेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, ठीक है ना, 4 गुणा होगा 2 में 8 हो जाएगा, माइनस 0 गुणा होगा 0 में 0 इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब क्या है, देखिए यह आपका k का गुणा होगा माइनस 2 में माइनस 2 के, 0 गुणा होगा 4 में कितना हो जाएगा 0 ना, और 1 का गुणा होगा 8 में 8 हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक ना, 2 जाएगा उधर कितना हो जाएगा 4 गुना के 8 हो गया ना, माइनस 2 के माइनस 2 के इक्वल टू, बाबू कहीं दिक्कत तो नहीं ना है, ठीक है, 0 हो गया उधर, आप भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना हो जाएगा 8 के, ठीक ना, देखिए प्लस माइनस 1, ये प्लस माइनस बाबू है, यहां लिख देंगे हम प्लस लेने पर, प्लस लेने, सॉरी यहाँ पर इतना है ना, इतना है बाबू, ठीक ना, लेकिन आप प्लस लेने और तो माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू 8 ले लेंगे, माइनस 2k इक्वल टू 8 प्लस 8 देगा तो कितना होगा माइनस 8, तो माइनस 2k इक्वल टू 0, k बराबर 0 बटा माइनस 2, k का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है, कितना आ गया 0, और चलेंगे माइनस लेने पर, देखिए अब लिख रहे हैं माइनस लेने पर, ठीक है ना, तो ले लीजिए माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू माइनस 8, ठीक है ना, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 8 प्लस 8 जाएगा उधर कितना हो जाएगा माइनस 8, माइनस 2k इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस 16 हो गया,
माइनस माइनस कैंसिल के इक्वल टू 16 बटा में 2 2 बटे 16 के का मान कितना आ जाएगा 8 अतः के का मान देखो 0 हो जाएगा देखो 8 यही आपका आंसर होगा। ठीक है बाबू आइए आइए बाबू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सारणिकों का प्रयोग करके ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1.2 और 3.6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है बाबू कह रहा है इतना को मिलाने वाली रेखा क्या निकालना है समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है ना ठीक एक मिनट में हाँ ठीक है आइए मान लीजिए कि हम ले लेते हैं ठीक है ना मानना पड़ेगा माना कि ये रेखा आपका ए है ये आपका बी है इस पर वन को मान लीजिए बी यहाँ पर इस पर बी मान लेते हैं 3.6 इसको मान लेते हैं एक्स कोमा वाई तो लिखते हैं माना कि एबी रेखा पर बिंदु पी एक्स कोमा वाई क्या है बाबू स्थित है। ठीक है ना क्या है स्थित है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बाबू तो जब यह तीन बिंदु है रेखा पर स्थित है इसका मतलब क्या है वो संग्रहित है कंफर्म तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे हम इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना बाबू 0 हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू कितना बाबू 0 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना x1 y1 1 या आपका x1 y1 x2 y2 वो आपका x3 y3 1 2 1 3 6 1 x y 1 इक्वल टू कितना बाबू 0 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू तो अब क्या है 1/2 हो जाएगा। ठीक अब हम क्या करेंगे 1 लेंगे तो बाबू जब 1 लेंगे तो इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे ठीक 6 का गुणा होगा 1 में 6 हो जाएगा y का गुणा होगा 1 में y हो जाएगा माइनस ऑफ 2 ले लेंगे। ठीक है ना इसको बंद करेंगे फिर इसको बंद करेंगे तो 3 का गुणा होगा 1 में 3 माइनस x का गुणा होगा 1 में x हो जाएगा। ठीक है ना बाबू इतना हो जाएगा प्लस 1 ले लेंगे तो इसको बंद करेंगे फिर इसको बंद करेंगे 3 का गुणा होगा y में 3y माइनस ठीक है ना इसको बंद करो। ठीक है बाबू और 6 होगा x में माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं यहां तक अब क्या है ठीक बराबर 0 है। ठीक ना अब क्या है इस 2 उधर भेज देंगे। ठीक ना ये हो जाएगा आपका 6 माइनस वाई माइनस 2 का बड़ा होगा 3 में 2 3 6 माइनस 2 का होगा माइनस इसमें तो प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 का होगा 3y में 3y 1 का होगा इसमें बराबर। ठीक है बाबू 2 नीचे है बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 × 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए ठीक ना ये 6 प्लस माइनस कट जाएगा ये आपका 2x और माइनस 6x माइनस 4x माइनस y प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे ठीक ना इसमें माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें 2x हो जाएगा इसमें y हो जाएगा सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ना ठीक ना ये इस तरह कर दीजिए इसको इस तरह कर दीजिए 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x y इक्वल टू 4x बटा में 2 कर जाएगा y इक्वल टू
2x, यही आपका क्या हो जाएगा उस रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। और आज वह हम लोग यहीं तक रहेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 दिया है, ठीक ना बाबू, वो 5 इस, ठीक ना, जो आपको पीछे सवाल बताया गया है के का मान निकाले, उसी के आधार पर दिया है। और आप लोग, ठीक ना बाबू, ईमानदारी से जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना, प्रत्येक क्वेश्चन को अगर लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को रुक रुक अगर ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जिस तरह हम लोग आप लोगों के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार आप लोग भी अगर कठिन बाबू परिश्रम करेंगे तो ही आपका, ठीक है ना, आपको सफलता मिल पाएगी। यह नहीं कि हम लोग आपको वीडियो अपलोड करके भेज रहे हैं, आप लोग घर पर उसको पढ़ते ही नहीं है, तो उससे हम लोग को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक ना बाबू। इसलिए आप लोग से प्रत्येक स्टूडेंट से निवेदन है कि जो भी वीडियो आपके यहाँ अपलोड करके भेजा जाता है, उसको आप ईमानदारी से घर पर बैठकर ही ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। और आज हम लोग आज हम लोग यहीं तक रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।